लिंक्ड ट्रैक्स में समझाता हूँ. ओके, सो गोइंग इन टू द सैम्पल्स, लेट मी जस्ट टेक सम सैम्पल्स. ओके, मैंने ये सैंपल लिया, इसको यहाँ रख दिया, डुप्लीकेट कर दिया इसको ये. अब मैंने ये ऐसे रखा हुआ है. ओके, नाउ इमेजिन आपने किसी ड्रमर को ये लाइव रिकॉर्डिंग की है, किसी वोकल्स की लाइव रिकॉर्डिंग की है, या ऐसे ही आपके पास ऑडियो ट्रैक्स हैं और तो सारे के सारे ट्रैक्स एक साथ एडिट करने हैं. मेरा अच्छा मतलब क्या है कि अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ 3, इसका नाम दे देता हूँ 4, 4. ओके, सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, अगर मुझे इन चारों में एक साथ एडिटिंग करना है तो मैं इन सब को सिलेक्ट करूंगा एक साथ. आई विल क्लिक ऑन द फर्स्ट वन, देन आई विल होल्ड शिफ्ट एंड आई विल क्लिक द लास्ट वन. तो ये सारे अभी सिलेक्ट हो गए. अब मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन एबल्टन 11 में मिल जाता है कॉल्ड लिंक ट्रैक्स. अच्छा अभी मैं इसको अगर लिंक करूं तो एक एक आइकन आ जाता है यहाँ पे हर ट्रैक जिसको आपने लिंक किया. आप उसको बीच में या साइड में नंबर के पास क्लिक करोगे तो वो ट्रैक सिलेक्ट होंगे, लेकिन जैसे ही आप इसको लिंक चेन के पास ले जाओगे, जो आइकन है उस पर क्लिक करोगे, ये वापस सारे के सारे लिंक हो जाएंगे. अच्छा अभी अगर इसका, बीच में करेंगे तो अलग हो जाएंगे फिर। हाँ ये अलग, फिर भी ये अलग, खाली आप उसको अलग से क्लिक कर रहे हो, लेकिन एडिट लिंक ट्रैक करने के बाद आप एडिट इन चारों के चारों को या ज्यादा या कम ट्रैक्स को एक साथ कर सकते हो. मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने इसको ये चारों लिंक्ड है अभी, राइट, अभी मैंने खाली यहां पे अगर समझो सिलेक्शन किया, देखो नीचे सारा सिलेक्शन हो गया. ओके, अभी मैंने इसको ऊपर वाले को डिलीट किया, नीचे वाले भी डिलीट हो गए. अगर मैंने इसको ऊपर वाले को मूव किया, नीचे वाले भी मूव हो रहे हैं. यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आपको इसको डुप्लीकेट करना है तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो. अगर आपको यहां पे फेड करना है तो देखो सारे के सारे फेड हो रहे हैं. ओके, अब यहां पे जाके आप यहां पे क्लिक करते हो, ये चारों के चारों देखना म्यूटेड है. अगर मैं यहां पे लिंक, ये जो आइकन सिंबल है उसको पर क्लिक करता हूँ, ये चारों हाईलाइटेड हो जाते हैं. उसके बाद मैं इनको अनम्यूट कर सकता हूँ, साथ में सोलो कर सकता हूँ मैं, साथ में इसको यहाँ पे ये करके. ये क्यों नहीं हो रहा सोलो, मैं एस दबा रहा हूँ, मेरा कीबोर्ड तो चालू है ना. हाँ, ये म्यूजिकल कीबोर्ड बंद करना होगा मुझे, तो मैं एस दबाऊंगा तो देखो सोलो हो जाएगा. ओके, अगर म्यूट करना चाहूँ तो मैं अनम्यूट और म्यूट कर सकता हूँ. मैं इसको चारों को एक साथ रिकॉर्ड आर्म कर सकता हूँ. तो ये बहुत फास्ट वर्क फ्लो हो गया अभी. नाउ यू कैन जस्ट लिंक ट्रैक्स, अगर ऑडियो सारे के सारे ऑडियो हैं आपके और आप सारे के सारे एक साथ एडिट करने, जैसे कि वोकल्स हो गए या कुछ हो गया और एक साथ आपको एडिट करना है विद द, लाइक जस्ट इज टू टू क्विक. ये ऑडियो पे ही काम करता है सर। हाँ, अभी तो मेरे ख्याल से अभी ट्राई कर लेते हैं, मिडी ऑन करते हैं, मिडी ट्रैक. हाँ, ये देखो, ये मैंने चार मिडी ट्रैक डाल दिया. अब यहाँ से मैंने क्लिक करके ये कर दिया यहाँ पे मिडी क्लिप. ओके, अब मैंने इन चारों को क्लिक किया, राइट क्लिक किया, बोला लिंक ट्रैक्स. हाँ, अब मैंने इसको हटाया, सॉरी, अभी मैंने यहाँ से बीच में से ये किया, देखो चारों के चारों. ओके, अब एक काम करते हैं, इसको और इनको अनलिंक करके ये आठों को, ऑडियो और मिडी को साथ में लिंक करते हैं. अब मैंने इनको लिंक कर दिया, सारे लिंक हो गए. सोलो करता हूँ, सारे के सारे सोलो हो रहे हैं. मैं म्यूट करता हूँ, जीरो दबा के म्यूट हो रहा है. मैं आर्म करता हूँ, सारे के सारे आर्म हो रहे हैं. ओके, मैं एक्सपांड करता हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ, सारे हो रहे हैं. अब मेरे को यहाँ से एक्सपांड मिनिमाइज सर क्या कमांड से करते हो आप सर? यू यू दबा के ये जो क्लिप्स, ये ट्रैक्स हैं वो एक्सपांड होते हैं.
तो आप पूरा मैं लेसन उसमें आप क्लास में देखता हूँ ना, कई बार एकदम से हो जाते हैं आप सिलेक्ट करके। हाँ हाँ वो शॉर्टकट्स पता है ना मुझे, तो उसी तरीके से अभी अगर मेरे को ये डिलीट करना है तो देखो मैंने ऑडियो और मिडी साथ में कर दिया, तो ये पूरा साथ में है हो रहा। ओके, खाली फेड्स जो है वो ऑडियो पे हैं और मिडी पे नहीं है। वैसे सर वो तो जैसे जो मैं बता रहा था लूप ब्रेस सिलेक्ट करके, हाँ हाँ तो शायद म्यूट करना या और मतलब डिलीट करना उसके लिए, पर इसमें है कि हम अगर पहला ट्रैक पहला चौथा पांचवा बीच बीच में जैसे अल्टरनेट ट्रैक्स ऐसे लिंक करने हैं राइट, और उनको एक साथ कुछ प्रोसेस करना है उसके लिए फायदा है ना इसमें। हाँ अभी आपको लूप ब्रेस लेके सेट करके डबल क्लिक करके वो सब नहीं करने की जरूरत, नहीं सर वो लूप ब्रेस तो ऊपर से नीचे तक सारा कर देगा वही है ना। इसमें अब मेरे को ट्रैक 3, 6 और 8 मान लो करना है सिर्फ, हाँ तो वो फिर उसी पे ही काम करेगा ना, बीच वाले तो छेड़ेगा नहीं। इसको आपने इसको और इसको आपने किया लिंक ट्रैक्स राइट, अभी अगर आपने इसको ये किया तो देखो नीचे वाला भी वो है। हाँ ये सीखिए हाँ, तो ये बहुत अच्छा फीचर है।